रेलवे स्टेशन अचानक से हॉस्पिटल में बदल गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान डॉक्टर बन गई और स्टेशन पर ही एक महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया। कहा जाता है कि कब भगवान किसकी मदद करने किस रूप में आ जाएं, यह शायद किसी को नहीं पता। ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ जब वह ट्रेन से अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी, तभी ट्रेन में ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद एक आरपीएफ जवान ने देवदूत बनकर उस महिला की मदद की और स्टेशन पर ही महिला का प्रसव कराया। मामला कियूल झाझा रेलखंड के झाझा रेलवे स्टेशन का है, जहां स्टेशन पर एक महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। दरअसल जमुई जिले के सोनो प्रखंड क्षेत्र के केशो फरका गांव निवासी बाटो मांझी अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ काठगोदाम एक्सप्रेस से अपने घर लौट रहा था। बाटो मांझी कानपुर में रहकर मजदूरी का काम करता है और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ रहा था। इस दौरान जब ट्रेन किधौर रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी रेखा देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद स्टेशन पर आरपीएफ महिला जवान ने उसकी मदद की। पत्नी के साथ क्या हुआ? ड्रेवी हो गया रास्ता में। रास्ता में कौन सा गाड़ी में ड्रेवी हुआ है? काठगोदाम। कौन कौन मदद किए थे आपको? रेलवे के पुलिस वाला मदद किया है, डॉक्टर भी किया मदद। रेलवे का पुलिस, रेलवे का जो रेलवे अस्पताल का डॉक्टर, वो मदद किए हैं। पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद जब ट्रेन झाझा रेलवे स्टेशन पहुंची, तब बाटो मांझी ने अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर उतारा और मदद के लिए इधर से उधर भटकने लगा। उसे इधर से उधर भटकता देख वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की जवान उसकी मदद करने के लिए पहुंची, तो बाटो मांझी ने सारी कहानी आरपीएफ जवान को कह सुनाई। उसके बाद आरपीएफ जवान ने देर न करते हुए इसकी सूचना ड्यूटी पर तैनात रेलवे के चिकित्सकों को दी और वहां पर रेलवे के चिकित्सक पहुंचे तथा स्टेशन को ही अस्पताल का रूप देकर महिला का प्रसव कराया गया। इस दौरान रेखा देवी ने एक बेटी को जन्म दिया है। महिला का प्रसव कराते ही वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर आरपीएफ जवान और चिकित्सकों की सराहना की। इसके बाद महिला और उसके बच्चे को बेहतर इलाज के लिए झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां एसएनसीयू में बच्चे को टीके लगाए गए हैं तथा उसकी मां का भी टीकाकरण किया गया है। बहरहाल झाझा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की दरियादिली का यह मामला जमुई जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आरपीएफ जवान की सराहना कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।